वेलकम और वेलकम बैक टू दी एल एस अकेडमी माई नेम इज़ कनक एंड आई एम बैक विद दी सेकंड वीडियो ऑफ़ द सेलुलर एस्पायरेशन दैट इज द लिंक रिएक्शन फर्स्ट वीडियो जो सेलुलर एस्पायरेशन की है वो ग्लाइकोलिसिस की है जो कि आपको पहले देखनी है मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड ऑल्सो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी आप लोग तो पहले वो देख कर आइए एंड देन इस लिंक रिएक्शन पे आइए क्योंकि ऑब्वियसली लिंक रिएक्शन जो है वो ग्लाइकोलिसिस से लिंक्ड है

ए जो है वो क्या करेगा वो होगा हमारे क्रेबसाइकिल के अंदर एंटर एंड देन हमारी फर्दर रिएक्शन चलेगी तो so, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने ग्लाइकोस जो है वो लास्ट वीडियो में कवर किया है तो अगर मैं ओवरऑल सेलूलर एस्पायरेशन की बात करूँ तो सेल्युलर रिस्पायरेशन जो है इट इज अज ऑफ केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस जिससे क्या होगा जिससे हमारा एनर्जी जो है वो जेनरेट होती है ठीक है एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज द बॉडी बाय द सेल्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस तो अगर हम ओवरऑल एक बात करें कि चल क्या रहा है पूरे प्रोसेस में चल क्या रहा है तो अगर हम बात करते हैं इसकी तो सबसे पहले क्या होगा जो ग्लूकोज है ठीक है ग्लूकोज इट इज़ कन्वर्टेड टू बायरवेड एंड ये प्रोसेस जो है इसे हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस ये जो पायरोवेट है अब ये पायरोवेट क्या करेगा ये पायरोवेट अगर हमारे एनेरोबिक रेस्पायरेशन की कंडीशन होगी अगर एनेरोबिक रेस्पायरेशन की कंडीशन होगी तो क्या होगा यहाँ पे ये जो पायरोवेट है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस किया था Uh, और जो हमारी एंजाइम है वो है लैक्टेट डी राइट एंड ये यूजुअली कहाँ होता है मसल्स में दूसरी जो है दूसरी कंडीशन क्या है ये यूजुअली यूजली एंड यीस्ट में देखी गई है कि जो पायरोवेट uh, है यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होगा एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू एसिड एसिटेल डीहाइड इज कन्वर्टेड इंटू एथेनॉल प्लस सीओ राइट एंड यहां पर जो एंजाइम है हमारी वो है पायरोट डी कार्बोक्सीस एंड यहां पर जो एंजाइम है वो है हमारी एसेटेल डी हाइड डी हाइड्रोजेस लेकिन अगर कंडीशन है हमारी एरोबिक रेस्पायरेशन की राइट right? अगर अगर एरोबिक रेस्पायरेशन की कंडीशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो हमारा पाइरोवेट है इट इज कन्वर्टेड विच एंटर्स एसीटाइल साइकिल ठीक है तो ये एक क्या है ये ओवरव्यू है हमारा ये जो एसिटाइल को ए बन रहा है जो टू तो एसिटाइल को ए जो बन रहा है ये यहाँ पे यहाँ पे इस चीज को हम कहेंगे लिंक रिएक्शन क्योंकि ये जो है ये एक तरह का लिंक की तरह एक्ट कर रहा है बिटवीन ग्लाइकोलिस एंड साइकिल सो पायरोट कन्वर्टिंग इन टू एसिटाइल कोए इसको रिएक्शन एंड ये जो पायरोवेट है एसिटाइल कोए में डायरेक्टली चेंज नहीं हो रहा है इसमें भी कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्या है अब हम लोग देखेंगे द लिंक रिएक्शन और एसिटाइल कोए फॉर्मेशन राइट एसिटाइल कोई फॉर्मेशन के लिए क्या होगा एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है पायरोवेट डीहाइड्रोजीनीस कॉम्प्लेक्स पायरोवेट डिहाइड्रोजीनीस कॉम्प्लेक्स ये जो पायरोवेट डिहाइड्रोजीनीस कॉम्प्लेक्स है ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ठीक है ये क्या है ये है एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है दैट मींस ये डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट से बना हुआ है तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं एंजाइमेटिक सब यूनिट्स ई वन ई टू एंड ई थ्री ई वन का नाम है आयरोवेट डीहाइड्रोजेस E2 का नाम है डाय हाइड्रो लिपॉइल ट्रांसेटाइलिस एंड E3 का नाम है हाइड्रो लेपॉइल डी हाइड्रोजेनिस ठीक है ई वन ई टू एंड ई थ्री ये तीन जो हमारे एंजाइम सॉरी एंजाइम सब यूनिट्स हैं ये इनके अपने अपने नाम हैं इनके अपने अपने को फैक्टर्स हैं एंड इनके अपने अपने फंक्शंस हैं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से को फैक्टर्स है एंड इन एंजाइम सब यूनिट्स के क्या क्या फंक्शन्स हैं सो so, ये है हमारे पायरोवेद डिहाइड्रोजिनीस कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम है उसका डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स उनके को फैक्टर्स एंड उनके स्पेसिफिक फंक्शंस तो सबसे पहला आता है हमारा ई वन जो कि है पायरोवेद डिहाइड्रोजिनीस इसके जो को फैक्टर्स हैं वो है टी पी पी थामीन पायरोफॉस्फिड ई वन की अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो वो करता है डी कार्बॉक्सीशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट सेकेंड कॉम्प्लेक्स आता है ई टू विच इज कॉल्ड एज डाईहाइड्रो लिपोआइल ट्रांस एसिटाइलिस इसके जो कोफैक्टर्स हैं वो लिपोइड एंड कोए फंक्शन है इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोक्सी इथाइल टू एसिटाइल एंड इट ट्रांसफर्स एसिटाइल टू कोए फॉर्मिंग एसिटाइल कोए एंड थर्ड जो है वो है ई3 दैट इज डाईहाइड्रो लिपोइल डीहाइड्रोजिनेज इसके कोफैक्टर्स हैं फैड एंड एनएडी फंक्शन जो है इट इट हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ थायोल ग्रुप्स ऑफ डीहाइड्रोक्सी लिपोमाइड टू लिपोमाइड अब ये जो एंजाइम्स हैं किस तरीके से फंक्शन कर रही हैं एंड एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हो रहा है ये अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सो so, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसिटाइल कोए फॉर्मेशन का पाथवे तो so, इस पाथवे के लिए जो हमारा सबसे पहला जो स्टार्टिंग हमारा सबस्ट्रेट है वो है पायरोवेट ऑब्वियसली जो कि ग्लाइकोलाइसिस का हमारा फाइनल प्रोडक्ट था दिस पायरोवेट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी हाइड्रोक्सी ठीक है पायरोट इज कन्वर्टेड इन टू हाइड्रोक्सीथाइल डीपीपी और ये कौन कैरी आउट करेगा इट विल बी कैरिड आउट बाई एनजाइन सब यूनिट ई वन विद हेल्प ऑफ इट्स को फैक्टर ठीक है हाइड्रोक्सीथाइल टीपीपी का फॉर्मेशन हो गया अब हम लोगों ने ई uh, वन का एक और फंक्शन देखा था अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोट दैट इज डी कार्बोक्सीन सो इसी स्टेप में क्या होगा डी पायरोवेट जो है ये तीन कार्बन का मॉलिक्यूल है एंड हाइड्रोक्सी इथाइल डीपीपी जो है ये दो कार्बन का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर क्या हुआ पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी इथाइल डीपीपी ई वन जो है वो ऑक्सीडाइज करता है पायरोवेट को एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या हो रहा है डी कार्बोक्सीशन इज बीइंग कैरिड आउट नाउ हाइड्रोक्सी इथाइल डी पी पी एट्स कन्वर्टेड टू एसीटाइल डाइहाइड्रो लिपोमाइड एसिटाइल डाई लिपोमाइड हाइड्रोक्सी इथाइल टीपी पी इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू एसिटाइल डाहाइड्रोलिपोमाइड ये कौन कैरी आउट करेगा ये करेगा हमारा ई टू ई टू बेसिकली क्या कर रहा है ये ऑक्सीडाइज करता है हमारे हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप को एंड उसको कन्वर्ट करता है एसीटाइल ग्रुप में सो हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है एसिटाइल डाइहाइड्रोलिपोमाइड अगर मैं एसिटाइल डाहाइड्रोलिपोमाइड के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है ठीक है तो ये है हमारा एसिटाइल ग्रुप अब E2 का फंक्शन हम लोगों ने एक और देखा था कि E2 क्या करेगा हमारे एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा सी ओ ए ग्रुप पे एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए सो यहाँ पे क्या होगा हमारे एंट्री हो रही है सी ओ ए एस एच की ठीक है E2 क्या करेगा इस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा टू सी ओ एंड इट विल लीड टू दमेशन ऑफ एसिटाइल को ए सो so, हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा ये है हमारा एसिटाइल को ए नाउ हमारे पास जब एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हो गया तो हमारे पास ये जो पीछे स्ट्रक्चर बच गया वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बचा राइट right? अब हमारा E3 का रोल यहाँ पर आएगा अब क्या होगा E3 की एंट्री होगी E3 क्या करेगा जो थायोल ग्रुप है उसे ऑक्सीडाइज करेगा जो थायोल ग्रुप है उसे कन्वर्ट करेगा वापस लिपोमाइड में, Lipomide. so यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर एसिटाइल ग्रुप तो चला गया पीछे बचा डाइहाइड्रोक्सी लिपोमाइड दिस इज डायहाइड्रोक्सी लिपोमाइड सो ई थ्री आएगा E3 थ्री क्या करेगा इस डायहाइड्रोक्सी लिपोमाइड के थायोल ग्रुप्स को वापस ऑक्सीडाइज करके इसको लिपोमाइड में कन्वर्ट करेगा इसके साथ साथ एक साइड में रिएक्शन चलेगी वहां पर क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है वो दिया जाएगा एफ ए डी को जिसकी वजह से एफ ए डी एच का फॉर्मेशन होगा देन एफ ए डी एच जो है वो पास ऑन करेगा इस इलेक्ट्रॉन को टू एन ए डी प्लस एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ए डी एच ठीक है तो यहाँ पर एन ए डी एच का फॉर्मेशन हो रहा है तो अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोलिसिस की ग्लाइकोलिस में हमारे पास दो पायरोवेट का फॉर्मेशन हो रहा था तो ओवरऑल हमारे पास कितने एन फॉर्म होंगे टू एन का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग द लिंक रिएक्शन तो अगर मैं पूरे एनर्जी की बात करूँ कि कितनी एनर्जी जो है इन दोनों प्रोसेस में प्रोड्यूस हुई है तो ग्लाइकोलिसिस के केस में अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोलिसिस के केस में क्या हुआ है दो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है एंड दो एन का फॉर्मेशन हो, हो, हो रहा है एंड लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है लिंक रिएक्शन में भी दो एन का फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है सो अब क्या होगा एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हो गया है नाउ एसिटाइल कोए विल एंटर इनटू क्रेब साइकिल एंड देन हमारा साइकिल जो है वो आगे चलेगा क्रेब साइकिल जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे सो आई होप ये लेक्चर जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड कोई भी अगर डाउट होगा तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं आई ट्राई टू आंसर दैट सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे एंड आई एल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद क्रेपसाइकिल टिल दैन डो नॉट फर्गेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल आई एल सी यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू टेक केयर